फ्रांस वी शोल फीज एंजर ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स गुड मॉर्निंग आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं उसको डिस्कशन का नाम ना दिया जाए उसे कैजुअल स्टोरी का नाम दिया जाए इन वो कैजुअल स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है मोटिवेशनल है हमारे लिए आपके लिए सभी के लिए क्योंकि हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं ऐसे छड़ आते हैं जब डिसीजन लेना होता है बहुत मुश्किलें लगती है एक छोटे से छोटे से फैमिली डिसीजन में आप स्टूडेंट्स लाइफ में यह कैरियर चुनू या वह कैरियर चुनू या सब्जेक्ट चुनू या वह सब्जेक्ट चुनू इतना टॉर्मेंट करता है हम लोग के लाइफ में भी बहुत सारे होते हैं कि क्या करूं जीवन में क्या निर्णय लूं जीवन को कैसे सेफ्टी दूं तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो हम लेते हैं और जो डिसीजन लेते हैं कई बार उसके बाद भी रेपेंटेंस होता है कि शायद अगर हमने वह डिसीजन लिया होता तो कहीं बेहतर होता मैं एक ऐसी व्यक्ति या ऐसे राजनीतिक नेता की कहानी बता रहा जिसने एक ऐसा डिसीजन उसको लेना था जिसे ह्यूमन सिविलाइजेशन और एक नेशन बचना था नेशन यानी ने पूरे वर्ल्ड को बचना था उसका उसके उस डिसीजन पर सिर्फ एक राष्ट्र की निगाह नहीं थी एक नेशन की निगाह नहीं थी पूरी दुनिया की निगाह थी रो था चर्चिल आप इस पूरे प्रोसेस को जरा देखें और आप इंपेथाइज करें अपने आप को उस जगह पर रखकर देखें कि कितनी विंझा की स्थिति थी पहले मैं आपको विस्टर चर्चिस से अवगत करा दूं अब कुल मिलाकर आप कहेंगे तो अच्छा इंसान नहीं था उसका कैरेक्टर हमें बहुत लाइवली इसलिए लगता कि जब हम किसी की अच्छाई का चित्र खींचते हैं तो पूरा राम की तस्वीर खींचते हैं और जब किसी की बुराई की तस्वीर खींचते हैं तो रावण या कंस की तस्वीर खींचते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता प्रत्येक इंसान में राम भी होता है और रावण भी होता है जो समय के साथ रिसरफेस करता है शेक्सपीरियन ट्रेजिक हीरो के बारे में कहा जाता था तो वो कुल मिलाकर इंसान अच्छा था परंतु उसके कैरेक्टर में एक बड़ा दोष होता था जिस कारण से उसका पतन होता था लेकिन मैं एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर की कहानी बता रहा हूं एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन और पॉलिटिकल लीडर जो कुल मिलाकर अच्छा आदमी नहीं था लेकिन उसके कैरेक्टर में एक प्रबल गुण थे जिसने उसको विलेन से नायक बना दिया बल्कि दुनिया का महानायक अब देखिए वो क्या सिचुएशन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है इस वॉर को कॉमेंट किए हुए वॉर की शुरुआत हुए लगभग एक वर्ष बीतने को है पूरे यूरोप में निराशा छाई हुई है उस समय यूरोप दुनिया के केंद्र में यूरोप था यूरोप का निर्णय दुनिया के निर्णय को प्रभावित करने वाला था कि शेष महाद्वीपों का क्या होगा फासिस्ट ताकत अपने चरम पर थी एडोल्फ हिटलर दहाड़ रहा था उसके निकट सहवर्ती और फ्रेंड के रूप में मुसोनली भी खड़ा था एक दुनिया के एक अलग शक्ति का भी समर्थन मिल रहा था जिसे आप जापान कहते हो और अकेला एडोल्फ हिटलर ने लगभग संपूर्ण यूरोप का सफाया कर दिया था मतलब हम आपको पहले इनवर्मिटी ऑफ सिचुएशन बताते हैं कि हिटलर की क्या स्थिति थी चलिए मैं थोड़ा मानचित्र पर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं देखिए यह है मानचित्र आप अगर देखेंगे तो यह है ब्रिटेन यह है ब्रिटेन यह है स्वीडेन यह है स्विट्जरलैंड ओके और यह पूरे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है शायद आपको वहां से नाम तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन कलर कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा ये जितने भी आप डीप रेड देखते हो ये कलर जर्मन के द्वारा डायरेक्ट ऑक्यूपेशन में था यूरोप का क्योंकि जब हिटलर का उद्भव 1933 में चांसलर के रूप में हुआ था और 1939 में सितंबर 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी उसके बीच का जो इंटरवीनिंग पीरियड है उसमें हिटलर लगभग ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे भाग को जीत चुका था जैसे ऑस्ट्रिया को अनेक्स कर चुका था जो लगभग लग सेंट्रल यूरोप में था वह अब जर्मनी का पार्ट हो चुका था चेकोसोवाकिया को निगल चुका था जिस कारण से जो एलाइड पावर्स थे एलाइड पावर्स में ब्रिटेन और फ्रांस थे वो काफी नाराज हुए थे और उसके बाद उसने पोलैंड पर हमला कर दिया था और पोलैंड को जीत चुका था पोलैंड को एक तरह से कर चुका था और सोवियत रूस के साथ पोलैंड को बांट चुका था अगर इतिहास के इस मोड़ पर आपको थोड़ी सी वो घटना याद अगर आप करें तो पता चलेगा कि सोवियत रूस पश्चिमी के देशों से अलग था सोवियत रूस एक कॉम्युनिस्ट कंट्री था वहां पर बोस्विक पार्टी स्थापित थी और उसने एक कॉम्युनिस्ट सरकार बना रखी थी जो सिर्फ स्टालिन उसका हेड था और बहुत बड़ा हार्ड लाइनर था पहले उसने कोशिश की थी कि हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर नाजीवाद या फासीवादी ताकत का मुकाबला करें। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस से जब अपेक्षित समर्थन नहीं मिला तो हिटलर से ही मिल चुका था और 1939 में हिटलर के साथ एक नो एग्रेशन पैक्ट कर चुका था अनाक्रामक संधि कर चुका था और वो अनाक्रामक संधि करने के बाद हिटलर और भी मजबूत हो गया था हालांकि हिटलर को अगर सबसे ज्यादा फांसीवादी ताकत को किसी एक ताकत से शिकायत थी तो था सोवियत रूस युवक साम्यवाद या कॉम्युनिज से घिरना करता था लेकिन एक कहावत है कि दुश्मन के दुश्मन मित्र होते हैं उसी यानी फ्रेंड, यह थी, एक, एक थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो पोलैंड को जीता पोलैंड को जीतने के बाद हिटलर ने नॉर्वे पर जब हमला किया जब नॉर्वे पर हमला किया तो ब्रिटेन उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेंबरलेन था नेविले चेंबरलेन उसकी नीति बुरी तरह विफल हो चुकी थी उसने हिटलर को रोकने के लिए पॉलिसी ऑफ एपिजमेंट आरंभ किया था विफल रहा था हिटलर वन बाय वन उसका पूरा आकलन ही गलत था और उस समय ब्रिटिश पॉलिटिशियंस और जो लीडर्स थे उनमें से अधिकांश के आकलन गलत थे उनका यह सोचना था कि हिटलर बुरा बुरा इंसान नहीं है पीस कॉन्फ्रेंस में जो वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ अन्याय हुआ है उसका राष्ट्रवाद आहत हुआ है वो आहत राष्ट्रवाद की बेचैनी है उसको व्यक्त करने का मौका दीजिए सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इसी नीति के तहत चेम्बर ने हिटलर को बार बार मौका दिया और हिटलर अब एक ड्रैगन बन चुका था एक ऐसा समुद्री राक्षस बन चुका था जिसको दुनिया अब रोक नहीं सकती थी अब उन नॉर्वे को जब जीत रहा था तो ब्रिटेन ने उसको बचाने की कोशिश की ब्रिटेन ने पोलैंड आक्रमण के बाद युद्ध की घोषणा की फ्रांस के साथ मिलकर नॉर्वे को नहीं बचा पाया उसी असमंजस की स्थिति में जब मई में नॉर्वे का पतन हुआ मई 1940 में वॉर शुरू हो चुका है 3 सितंबर 1940 मतलब एक 1st सितंबर ही कहो जब जर्मन सेना अपने पोलैंड में प्रिवियस किया है और मई 1940 में नॉर्वे का जब पतन हुआ तब ब्रिटेन में प्रतिक्रिया हुई और फिर कैबिनेट मीटिंग में और पार्लियामेंट में भी इस बात की बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया हुई तो कैबिनेट मीटिंग हुई और नेविले चेम्बरलैन को प्राइम मिनिस्टर के पद से जाना पड़ा ओके अब आया 10 मई नाइनटीन फोर्टी को मिस्टर चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बनकर आया 65 इयर्स के एज में 40 इयर्स का पॉलिटिकल कैरियर उसका था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी भूमिका निभा चुका था और कुल मिलाकर देखोगे तो अच्छा इंसान की कसौटी पर नहीं उतरता उसकी अगर भूल उस, उसके द्वारा की गई कुत्तों की गणना करोगे तो एक लंबी सूची निकलती है यह वही विस्टर चर्चिल है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अरब क्षेत्र को बेच दिया था आज जो अरब का प्रॉब्लम आप देखते हो उसमें बहुत हद तक ये अरब नेशन को क्रिएट करने वाला वही है आप देखेंगे यही इजराइल को पैदा करने वाला प्राइम मिनिस्टर है यही प्राइम मिनिस्टर है जिसने सॉरी उसमें अपोजिशन पार्टी का लीडर था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय लेकिन हाँ लॉयड जॉर्ज प्रधानमंत्री था लेकिन चर्चिल उस समय मास्टरमाइंड था इन सब में उसकी भूमिका थी प्राइम मिनिस्टर वो नहीं था लेकिन फिर भी उसने आपको शायद आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में सुना होगा कि जब महात्मा गांधी जब लंदन गए थे सम्मेलन में, में हिस्सा लेने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो उनको नग्न फकीर कहा था और यही था जिसने रूजवेल्ट के साथ अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर चार करके कॉलोनीज को स्वतंत्रता दी जाएगी और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके पक्ष में गया तो 1945 में यही व्यक्ति और यही प्राइम मिनिस्टर ने कॉलोनीज को उपनिवेशों को आजाद करने से इनकार कर दिया और बड़ी पूर्वक इसने स्टेटमेंट दिया था आई हैव नॉट बिन द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन टू पेजाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मैं इस ब्रिटिश साम्राज्य की अध्यक्षता करने के लिए ब्रिटिश क्राउन का पहला मंत्री नहीं बना हूं यही उसका स्टेटमेंट था स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स यह वह चर्चिल था अगर शायद यह चर्चिल अगर रह गया होता ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर क्लिमेंट एटली की जगह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि 1947 में भारत को आज़ादी मिलती मिलती आज़ादी तो जरूर लेकिन उसमें टाइम पीरियड में फेरबदल हो सकता था संभव है कि 1950 में मिलती 1951 में मिलती या जैसे वो 45 में आता तो 50 में वो जाता उसके बाद अगर कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर आता या फिर वही आता तो अंत तक भारत को स्वतंत्रता मिलती लेकिन मैं स्टूडेंट्स ये जो ये जिसने जो महानायक की भूमिका निभाई है उसने उसके सारे कुकृतों पर पर्दा डाल दिया अब देखिए पूरी विश्व के लिए निराशा की स्थिति है दस मे को प्राइम मिनिस्टर के पद पर वो शपथ लेता है और उसके शपथ लेने के शीघ्र बाद एक प्रॉब्लम उभरता है क्योंकि देखो हिटलर ने नॉर्वे को जीता नॉर्वे के बाद कुछ ही घंटों में डेनमार्क ने सरेंडर कर दिया डेनमार्क को सरेंडर करने के बाद फिर हिटलर बढ़ता है अब अगर आप मैप देखेंगे मैप को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं यहां तो आप अगर मैप देखेंगे तो मैप पर आपको कुछ जगह मिलेगी जैसे देखिए यह है जर्मनी से आप फ्रांस की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में कंट्री जो मिलते हैं वह है लक्जबर्ग बेल्जियम नीदरलैंड्स एक स्विट्जरलैंड भी है लेकिन स्विट्जरलैंड वाले में स्विट्जरलैंड को एक न्यूट्रल मानकर आप चलिए क्योंकि स्विट्जरलैंड को, को कोई भी कंट्री टच नहीं करता अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर अटैक किया था तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने फ्रांस को बचाने के लिए ब्रिटेन ने भी जान लगाई हुई थी क्योंकि फ्रांस को के पतन का मतलब था स्वयं ब्रिटेन का खतरे में पड़ना क्योंकि आप जानते हो कि इंग्लिश चैनल दोनों को विभाजित करता था और कम से कम फ्रांस एक बफर रीजन के रूप में काम कर रहा था बेल्जियम बफर रीजन के रूप में काम कर रहा था तो चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने विलियम कैसर ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला किया था बेल्जियम को क्रॉस करके इसलिए पूरी तैयारी इन्होंने कर रखी थी कि बेल्जियम को बचाना है इस बार हिटलर ने इनको आउटविट कर दिया और नीदरलैंड के रास्ते उसने अटैक कर दिया और उसने जो अटैक किया तो अटैक करके तब तक इनकी सेना को डंकर्क में घेर लिया और डंकर्क आप लोग इतिहास में नाम सुना होगा तीन लाख तीस हजार सैनिक फंस गए थे ब्रिटिश और फ्रेंच सैनिक और इसका सबसे बड़ी इस पर एक मूवी बनी है हॉलीवुड की और इसमें एक बहुत बड़ा इतिहास का एक बहुत बड़ा इवैक्यूएशन था उस इवैक्यूएशन में ब्रिटिश सेना नष्ट हो सकती थी और उसके बाद उसने जब इन तीनों को जीता नीदरलैंड को जीता बेल्जियम को जीता लग्जबर्ग को जीता स्विट्जरलैंड को टच नहीं किया क्योंकि स्विट्जरलैंड को टच करना मुनासिब नहीं था वो एक न्यूट्रल कंट्री था अब इन क्षेत्रों को जीतने के बाद हिटलर फ्रांस को इन्वाइट करता है और सिक्स वीक्स में फ्रांस को जीत लिया अब फ्रांस को जीतने के बाद ब्रिटेन के मुहाने पर आ गए अब एक बार दुनिया पर आप नजर डालिए दुनिया किस हालत में पहुंच चुकी है दुनिया इस हालत में पहुंच चुकी है कि पूरे इतने आप रेड देख रहे हैं सब हिटलर के कंट्रोल में है दो कंट्री न्यूट्रल आपको दिख रहे हैं जो आपको एक स्विडेन जो किसी के साथ नहीं है और दूसरा स्विट्जरलैंड जो किसी के साथ नहीं है हिटलर ने जितने भी आपको रेड देखते हैं डिप रेड वो उस सब उसके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया और जितने पिंक देखते हैं वो सब पिंक कंट्री है वो उसके एलाइज या डिपेंडेंट हो गया सेटेलाइट कंट्रीज हो चुके हैं पूरी दुनिया देखिए अभी ए, आपको रशिया का कलर अलग लग रहा है नहीं तो ये भी आपको पिंक दिखता क्योंकि अब रशिया पर हमला कर चुका है रशिया पर हमला कर चुका है जर्मनी तो इसलिए 42 का मानचित्र है इसलिए नहीं तो रशिया भी जर्मनी के साथ हिटलर के साथ स्टालिन एक, एक ट्रीटी में अनाक्रमक संधि में बंधा हुआ था और इतना ही नहीं रिमन ट्रॉप मोलोटोव ट्रीटी के अनुसार रिमन ट्रॉप ट्रीटी के अनुसार रूस एलाइज हो चुका था जर्मनी का और दोनों ने मिलकर पोलैंड को विभाजन हाफ हाफ में कर लिया था तो इतनी बड़ी बात थी अब ब्रिटेन के लिए ब्रिटेन के साथ कोई नहीं था इधर इटली है इटली में मुसोलिनी द पैक टॉप स्टील हिटलर के साथ कर चुका था अभी वॉर में जंप नहीं किया था मैं आपको मई की बात बता रहा हूं मई 1940 की अभी वॉर में जंप नहीं किया था लेकिन कभी भी वॉर में जंप कर सकता था और अंत में जून में वॉर में जंप किया जुलाई में तो मैं आपको बताना चाहता कि इस तरह से ब्रिटेन बिल्कुल ही अब अकेला था और पूरी यूरोप को फिनस करने के बाद रूस के साथ न्यूट्रलिटी स्टैब्लिश करने के बाद मित्रता करने के बाद और इटली उसके साथ खड़ा है कोई भी एक कंट्री नहीं स्वीडन न्यूट्रल है स्विट्जरलैंड न्यूट्रल है ब्रिटेन अकेला है और तब शुरू हुआ बैटल ऑफ ब्रिटेन और बमबार्डमेंट शुरू किया ब्रिटेन पर उसने और ब्रिट जो जर्मन युद्ध प्रणाली थी वो युद्ध प्रणाली इतनी सशक्त थी उसका नाम है ब्लिज क्रेग ब्लिज क्रेग में एयरफोर्स कवरेज देता और पीछे पीछे आर्मी चलती और एयरफोर्स और आर्मी के संयुक्त प्रयास से घंटों में क्षेत्र को जीत लेता हिटलर तब तक अपोजिशन पार्टी अभी अपनी तैयारी ही कर रहे होते तब तक जर्मनी की सेना उनके घर में प्रवेश कर जाती और ये इतना फास्ट वॉर टैक्टिक्स था जिसकी कल्पना उस समय तक नहीं की गई थी कोई भी देश इतनी पूरी तैयारी के साथ और इतने फास्ट क्योंकि इससे पहले एयरफोर्स अलग चलता था उसमें आर्मी और एयरफोर्स दोनों साथ साथ चल रहे थे अब अगर कोई एयरफोर्स उसके एयरफोर्स का नाम था लुफ्त वाफे जर्मन एयरफोर्स का अगर कोई एयरफोर्स उसका मुकाबला कर सकता था तो वह एकमात्र ब्रिटिश एयरफोर्स कुछ हद तक पूरी तरह नहीं कुछ हद तक और वह था रॉयल एयरफोर्स अब जर्मनी जब बैटल ऑफ ब्रिटेन इंग्लैंड शुरू हुआ तो बम्बार्डमेंट शुरू हुआ बम्बार्डमेंट जर्मनी ने शुरू किया उसके लुत्फ वाफे ने और अंधाधुन बम्बार्डमेंट शुरू किया सबसे बड़ी बात है कि केवल उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर ही नहीं केवल उनके इंडस्ट्रियल बेल्ट पर ही नहीं बल्कि लंदन के सिविलियन क्षेत्र पर भी बॉम्बार्डमेंट आरंभ किया तो हजारों के हजार ब्रिटिश मरने लगे और लेकिन रॉयल एयर फोर्स जो कि चर्चिल समय प्राइम मिनिस्टर हो चुका था चर्चिल पूरे देश को मोबिलाइज कर रहा था आर्मी को मोबिलाइज कर रहा था स्वयं बंकर में बैठकर ऑपरेट करता था वो मुश्किल से दो घंटे सो पाता या नहीं सो पाता कई बार उसका उस समय टिपिकल सिचुएशन था वैसे भी वो बड़ा ही था एक हाथ में ब्रांडी दूसरे हाथ में सिगार बैठा हुआ है और ऑपरेशन को खुद हैंडल कर रहा है और आर्मी को मोटिवेट कर रहा है कि फाइट करिए फाइट करिए वही संकट की स्थिति है अब हम आते हैं उस कंक्लूडिंग पॉइंट पर कि क्या हुआ और क्या डिसीजन लेना था देखिए अब यही स्थिति है तो जस्ट डंकर की भी क्वेश्चन के बाद कैबिनेट की मीटिंग बैठी और यह वॉर कैबिनेट की मीटिंग है चर्चिल के वॉर कैबिनेट की और इसमें टोटल अभी सात मेंबर्स हैं दिन है 28 मई और यह छब्बीस मई से मीटिंग शुरू हुई है सात बार मीटिंग हो चुकी है कोई डिसीजन नहीं हो, हो सका है इसमें कौन कौन लोग बैठे हुए हैं पहले मैं उनसे आपको अवगत करा दू सात मेंबर्स इस कैबिनेट में और इसमें क्या असमंजस की स्थिति है क्या निर्णय लिया जाना है यहां एमबी वैलेंस क्या है डायलिमा क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे देखिए यह है मिलिए यह वही प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने हिटलर के अगेंस्ट में पॉलिसी ऑफ एपीजमेंट शुरू किया था यह है विस्टर चर्चिल जिनको इमरजेंसी में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया ये भी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता है नेविले चेंबरलेन भी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता है ये हेलीफेक्स ये उसमें फॉरेन सेक्रेटरी हेलीफेक्स फॉरेन सेक्रेटरी है और यह भी कंजर्वेटिव पार्टी के हैं बल्कि ये प्राइम मिनिस्टर के बड़े सशक्त दावेदार थे जब नेविले चेंबरलेन को अपना पद आठ मई को छोड़ना था एक तरह से उसके लिए जब फैटल अटैक उस पर चारों तरफ से हुआ और उसे रिजाइन करने की स्थिति आई तो नाइन्थ मे को अब उसका सक्सेसर कौन हो तो नेविली चेयरमैन का जो फेवरेट सक्सेसर था वो हेलीफेक्स था कि इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए उसके बाद उस समय जॉर्ज सिक्स जो किंग थे वो भी हेलीफेक्स को प्राइम मिनिस्टर चाहते थे चर्चिल को नहीं चाहते थे और कई लोग ऐसे थे जो हेलीफेक्स को चाहते थे अब यह है क्लीमेंट एटली जो बाद में प्राइम मिनिस्टर हुआ है यह लेबर पार्टी के मेंबर है यह है आर्थर ग्रीन ये आर्थर ग्रीन भी लेबर पार्टी के लीडर है ये आर्की बल्ड सिंक्र है यह लिबरल पार्टी के मेंबर है ये एडवर्ड ब्रिजेज है ये कैबिनेट सेक्रेटरी है ये टोटल सात मेंबर्स है ये एक अलग पर्सनालिटी है जिनके बारे में हम आपको बताएंगे ये उसवाल मौजलि हैं ये एक समर्पित नाजी है अब देखो ब्रिटेन का माहौल क्या है ब्रिटेन का माहौल ये है कि हिटलर की सफलता से कुछ ब्रिटिश लोग हैं जो उसको अपना आइडियल मानने लगे हैं आपको आश्चर्य होगा कि लॉयड जॉर्ज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हीरो थे उन्होंने जर्मनी का दौरा किया और हिटलर से प्रभावित हुए हिटलर से प्रभावित हुए काफी प्रभावित हुए और उन्हें कहा कि ऐसा राजनेता प्रत्येक देश में होना चाहिए दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये हैं उस वर्ल्ड मोजली हिटलर के अंदाज में आपको खड़े मिलेंगे ऐसे ब्रिटिश हैं जिनका आइडियल ही हिटलर है क्योंकि ऐसे लोगों हिटलर जैसे लोगों को आइडियल बनाना बड़ा आसान होता है और ऐसे व्यक्तित्व के प्रभाव में आ जाना किसी भी पीढ़ी के लिए बहुत ही नेचुरल होता है क्योंकि उसमें वो पराक्रम वो हीरोइज्म वो खोजते हैं जो वो अपने में खोजना चाहते हैं बहुत इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं बिना इस बात की परवाह किए हुए कि वह किसके साइड है राम के साइड है रावण के साइड या वह गुड्स गुड वर्क के साथ है या एविल फोर्सेस के साथ तो ये वही है उस वर्ल्ड मोजले ये भी हिटलर के बहुत बड़े भक्त हैं टाइम्स टाइम्स इतने बड़े आप टाइम मैगजीन आप समझ सकते हो कि इतने प्रेस्टिजियस मैगजीन वो हिटलर वो कह रहा था क्योंकि ब्रिटेन की एक मानसिकता आपको समझने पड़ेगी जो उसमें सोवियत रूस में आ चुका था तो पूंजीवादी देशों के लिए बहुत सारा खतरा था तो बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश स्कॉलर्स थे और ब्रिटिश लीडर्स थे जो समझते थे कि हिटलर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए स्टालिन के अगेंस्ट में और स्टालिन के अगेंस्ट में हिटलर का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति मजबूत की जानी चाहिए तो उनको हिटलर नायक लगता था क्योंकि यूरोप को से से कम्युनिज्म बचा सकता था तो ऐसे प्रभाव में आ जाना बहुत ही नेचुरल था आप एक डेली मेल जर्नल था जो लगातार वकालत कर रहा था कि ब्रिटेन को हिटलर के साथ समझौता होना चाहिए अब यही चल रही थी एकमात्र उस समय के राजनेता विस्टर चर्चिल जो नाइनटीन के दशक में जिस समय चेम्बरलेन ने हिटलर के प्रति पॉलिसी ऑफ एपीजमेंट या तुष्टिकरण की नीति भी चला रखी थी उसमें अकेला ये नेता कह रहे थे नहीं यह गलत है यह गलत है और विस्टर चर्चिल का कहना था कि यह बहुत बड़ी भूल की जा रही है एडोल्फ को एक तरह से कोई भी तरह से तुष्ट करना उचित नहीं है क्योंकि एडोल्फ आज न कल वॉर जरूर करेगा और उसकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई अब वही बैठा हुआ है कैबिनेट मिशन में ज्वलंत क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर ज्वलंत प्रश्न यह है कि वार्ता हेलीफैक्स ने शुरू की हेलीफैक्स ने कहा कि देखिए अभी हमें इटली के इंबेसी से इटली के दूतावास से हमें एक संदेश आया है और वह संदेश यह है कि मुसोलनी जो इटली का प्राइम मिनिस्टर है वह ब्रिटेन और जर्मनी के बीच समझौता करवाना चाहता है और इस युद्ध को समाप्त करना चाहता है वो चाहता है कि दोनों के बीच अच्छे तालुकात हो जाए सारी गलतफहमियां दूर हो जाए और युद्ध समाप्त हो जाए यह ऐसा मन लुभावन प्रस्ताव लग रहा था कि अधिकांश ब्रिटिश लीडर्स को लग रहा था कि यह ब्रिटेन के लिए अपॉर्चुनिटी है और हिटलर के साथ समझौता कर लेना चाहिए हेलीफेक्स थोड़ा सा दबाव डालते हुए कैबिनेट के सामने यह प्रस्ताव रखा चर्चिल उसकी तरफ देखने लगा तो चर्चिल को उसी समय अपने स्मरण में आ गया कि अभी अभी पॉल रेनॉल्ड जो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर है उसने ब्रिटेन का दौरा किया था और हेलीफेक्स के साथ उसने लंच रखा था तो ये फ्रेंच मास्टर माइंड है यहां पर इटली की तरफ से प्रस्ताव आया है तो जरूर हिटलर ने मुसोलिनी को इस बात के लिए परसवेड किया है कि वो ब्रिटेन से वार्ता करे इसके पीछे पहला मास्टरमाइंड हिटलर है अब फ्रांस की मानसिकता को जरा समझिए फ्रांस हार चुका है अपमानित हो चुका है वह जर्मनी के बुट तले रौदा जा चुका है तो अब फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि अगर ब्रिटेन भी समझौता कर लेता है जो अपमान झेलना पड़ रहा फ्रांस को वो अकेला वो अपमान नहीं झेलेगा बल्कि उसका आधे का हिस्सेदार ब्रिटेन भी बनेगा क्योंकि ब्रिटेन भी समझौता कर रहा उसी हिटलर के साथ जिसने फ्रांस को हराया और चर्चिल अभी तक उस युद्ध को रोका हुआ था बिल्कुल रॉयल एयरफोर्स लड़ रहा था वो आर्मी को मोटिवेट कर रहा था कर रहा था लगे रहो पीछे नहीं हटना है और उसी समय हेलीफेक्स ने एक प्रस्ताव दिया तो हेलीफेक्स ने प्रस्ताव दिया तो हिटलर ने उसकी तरफ देखा सॉरी विस्टर चर्चिल ने उसकी तरफ देखा कहा कि यह प्रस्ताव इटालियन एम्बेसी से है या फ्रांस से तो वो उस पर कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया तो फिर विस्टर चर्चिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा नो नहीं यह समझौता उचित नहीं अब मैं आपको बताऊं कि इतना कहने के बाद उसने कुछ कारण बताए उसने कहा कि देखिए अभी जर्मनी लाप्रद स्थिति में वह स्ट्रांग है आप इसको एग्रीमेंट कहते हो कि हम जर्मनी से एग्रीमेंट करें लेकिन प्रैक्टिकली यह सरेंडर है इसलिए कि वह स्ट्रांग है पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले चुका है और अगर हम सरेंडर करते हैं अगर हम उसके साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट नहीं सरेंडर माना जाएगा युद्ध रुक जाएगा वर्ल्ड वॉर समाप्त क्योंकि ब्रिटेन की निगाह अमेरिका पर भी थी और अमेरिका को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था लेकिन इस बार अमेरिका भी अरा हुआ था कि हमें यूरोप के मामले में अपना अपना अपनी टांग नहीं हरानी है और हमें यूरोप के मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं देनी है क्योंकि अमेरिका इस बात को नहीं भूल पा रहा था कि पिछले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे 56,000 सोल्जर्स समाप्त हो गए और इतना ही नहीं बल्कि इंफ्लुएंजा से एक लाख लोग मर गए तो अब कोई भी नया सेक्रीफाइस यूरोप के करने के लिए तैयार नहीं था अमेरिकी कांग्रेस उसके प्रेसिडेंट को स्टेट कर रखा था उधर से भी कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी और ब्रिटेन को दूर दूर तक कोई मदद नहीं दिख रहा था अकेला डेजेस्ट कर रहा था जर्मनी के साथ तो कहना था मिस्टर चर्चिल को कि भाई ये समझौता कहां है ये तो सरेंडर है और आपको पता है अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो हमसे वो क्या मांगेगा हमसे वो मांगेगा उसने सामने प्रस्ताव रखा उसने कहा कि मैं समझता हूं उसकी पूरी कहानी को वो हमसे उसके बदले वो कई चीजों का डिमांड करेगा वो हमें कहेगा कि हम स्वेज नहर उसको दे दें स्वेज नहर पर उसका कंट्रोल दे दें हमसे वो कहेगा अब देखिए ये स्वेज नहर हुआ उसके बाद वो हमसे माल्टा का क्षेत्र ले लेगा जो भूमध्य सागर में है जो एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और वह हमसे नेक्स्ट वन उसने कहा कि हमसे जिब्राल्टर का क्षेत्र ले लेगा जिब्राल्टर ये देखो या भूमध्य सागर में आओगे तो उत्तरी अफ्रीका और स्पेन के बीच के पॉइंट में यहां जिब्राल्टर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये मांग लेगा ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन था ये सब हमसे छीन लेगा और ये हमारे लिए सरेंडर होगा हम हम ये समझौता मंजूर नहीं है और हमारे ब्रदर्स हमारे कलीग्स अगर हम लड़ने में कामयाब रहे और किसी तरह से हम जर्मनी को रोक पाए तो हमारा पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और नहीं तो यह सरेंडर माना जाएगा और यह सरेंडर के साथ युद्ध तो रुक जाएगा लेकिन आप लोग मेरे कलिग्स याद करिए जब ब्रिटेन युद्ध में जब जंप किया था तो उसका क्या आदर्श था दुनिया को बचाना है अपने आप को बचाना है बुरी ताकत से लड़ना है और उसी बुरी ताकत के समक्ष हम कैसे समर्पण करें लेकिन हेलीफेक्स रजिस्ट कर रहा था बाकी जो सेवन मेंबर्स थे आपको मानसिकता होगी भाई उनकी क्या मानसिकता थी तो एडोल्फ हिटलर ने युद्ध को जिस कगार पर ला दिया था उसमें खुल्लम खुल्ला को यह बोलने के लिए तैयार नहीं था कि हिटलर से हमें लड़ना चाहिए हाँ यह सही है कि जैसे चेंबरलेन थे वो भी पूरी तरह से सरेंडर की बात नहीं कर पा रहे थे लेबर पार्टी का जो मेंबर था क्लीमेंट एटली वह भी वो तो सरेंडर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा था समझौता की बात भी नहीं कर रहा था लेकिन यह भी नहीं कह रहा था कि ब्रिटेन को लड़ना चाहिए तो मतलब कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं था एकमात्र अब चर्चिल खड़ा था वो कह रहा था मैं लड़ूंगा हम लड़ेंगे हेलीफेक्स ने नहीं माना हेलीफेक्स ने कहा कि देखिए ऐसा है इसमें कोई बुराई नहीं है मुसोलनी की ओर से जो मेडिएशन का प्रस्ताव आया है अच्छा मौका है हम लोग समझौता कर ले इस युद्ध को ही समाप्त कर दे ब्रिटेन ने कहा कि देखिए आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होने जा रहा एक हजार परसेंट में एक परसेंट उम्मीद है कि वो हमारे साथ कोई रियायत बरतेगा हमारे साथ सॉफ्ट होगा वो इसका भरपूर फायदा उठाएगा लेकिन हेलीफेक्स फिर भी चर्चिल के इस आर्गुमेंट से सहमत नहीं हुई वो फॉरेन सेक्रेटरी थे सात मेंबर्स थे। अंत में पांच बजे शाम की बात बता रहा हूं कैबिनेट मीटिंग रुक गई सभी थक गए और दिन भर चला था तो फिर चर्ची ने घोषणा की कि हम दो घंटे का ब्रेक लेते हैं और दो घंटे के बाद हम मिलेंगे सेवन पीएम दो घंटे के लिए बैठक स्थगित हो गई फिर सेवन पी में मिलते हैं लेकिन इस बार वो सात मेंबर्स नहीं है चर्चिल ने टोटल कैबिनेट को बुलाया पच्चीस थे अलग अलग डिपार्टमेंट के और चर्चिल ने उसे बुलाया कहा कि आप पूरे मेंबर्स बैठेंगे पूरे कैबिनेट को इतने इंपॉर्टेंट फैसला में होना चाहिए पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उसने बुलाया 25 मेंबर्स उस हॉल में बैठे जो जस्ट हाउस ऑफ कॉमंस के बगल में था हेलीफेक्स कुछ बोलते उससे पहले चर्चिल ने शुरू कर दिया चर्चिल ने कहा कि हमारे ब्रदर्स एंड कलीग्स स्थिति नाजुक है मैं भी समझता हूं ब्रिटेन पर अपार खतरा है हजारों लोग मारे जा सकते हैं लेकिन एक उम्मीद है तो इसी से है कि अगर हम किसी भी तरीके से एडॉल्फ को रोक पाए तो फिर भविष्य हमारा है लेकिन हां कोई कारण नहीं बनता आप लोगों को यह आशावाद रखने का यह भी मैं समझ रहा हूं क्योंकि तो हमारे साथ कोई नहीं है हम बिल्कुल अकेले हैं लगभग संपूर्ण यूरोप पर और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण जर्मनी का हो चुका है इसलिए आप इस तरह का आशावाद रखें यह उम्मीद हम नहीं कर सकते लेकिन चलिए हम आपसे गहन निराशा की बात करते हैं यह आयलैंड समाप्त होने वाला है आपके विचार में क्योंकि तो अगर हम लड़ते रहे तो हम जर्मनी के साथ रजिस्ट नहीं कर पाए आपका यही मानना है यह सही है यह भी एक विचार है अब देखिए वैसे यह आइलैंड समाप्त होता है यह वह आइलैंड है जो ऐतिहासिक है हजारों वर्ष अगर हम इस एग्रीमेंट पर साइन करते हैं जिसको कि हेलीफेक्स महोदय एग्रीमेंट कहते हैं वो सरेंडर होगा और अगर हम सरेंडर पर साइन करते हैं तो क्या क्या परिणाम होगा उसको देख लीजिए पहले जर्मनी हमारी नौसेना को भंग करेगा और पूरे नौसेना पर कब्जा कर लेगा फिर जितने हमारे सामरिक केंद्र हैं उस पर जर्मनी का कब्जा हो जाएगा उसके बाद हमारे आर्मी को डिमोबिलाइज करेगा उसको नाम देगा डी अर्मामेंट निशस्त्रीकरण माने ब्रिटेन को निशस्त्र कर देगा और निशस्त्र करके फिर इस व्यक्तित्व का नाम लिया जो उसका वो अब अपना एक मनमानी सरकार ब्रिटेन में बनाएगा और ये उस वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर होंगे ब्रिटेन की जनता जर्मनी की दास बन जाएगी कहने के लिए उस वर्ल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होंगे लेकिन वो जर्मन प्राइम मिनिस्टर होंगे और इस तरह से हम गुलाम बन जाएंगे वह आईलैंड जिसने दुनिया पर रूल किया है वह आईलैंड आप याद करिए हमारी वह नौसेना जो स्प्रिंस आमड़ा के बाद दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना रही है हमारा वह ऐतिहासिक आइलैंड जिसे चिपके हम लोग रहे हैं माई कलीग्स माई फ्रेंड्स हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आइलैंड का जितना महत्व है हम लोगों ने जो अपने इतिहास बनाए और अपने गुड नेम कमाए हैं उसमें जर्मनों का दास होने के बजाय बेहतर यही होगा कि हम सभी लोग जो 25 मेंबर बैठे हुए हैं उनके साथ और पूरी जनता के साथ खून से लथपथ होकर इसी आइलैंड से चिपके हुए हम भी मर जाए लेकिन सरेंडर नहीं इतना कहना था बस कैबिनेट ताली बजाने लगे और दो चार मेंबर्स तो इतने एक्साइटेड हुए कि उस हॉल में दौड़ने लगे और आकर चर्चिल की पीठ थपथपाने लगे कैबिनेट पर चर्चिल की जीत हो चुकी थी कैबिनेट की सहमति मिल चुकी थी हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर था लेकिन ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टरियल मॉडल थोड़ा अलग था और वह था फर्स्ट इक्वल्स था कैबिनेट का समर्थन चाहिए अब कैबिनेट का समर्थन लेने के बाद तब हिटलर चला पार्लियामेंट का समर्थन लेने चार जून को उसी में वो ऐतिहासिक भाषण हुआ क्योंकि वहां भी मेंबर्स ऐसे थे जो तो असमंजस में थे कि हमें युद्ध में आगे आना चाहिए या नहीं वो बड़े असमंजस की स्थिति में थे उस समय चर्चिल का वो ऐतिहासिक भाषण हुआ जो आपने इस वीडियो के आरंभ में सुना है उसने पार्लियामेंट के मेंबर्स को कहा कि वी सेल फाइट इन फ्रांस हर जगह हम फाइट करेंगे आई सेल फाइट इन फ्रांस फाइट इन हिल्स माउंटेन्स लैंडिंग ग्राउंड लैंड फील्ड्स एवरीवेयर बीच एज आई सेल नेवर सेंटर ये जो ऐतिहासिक भाषण हुआ कि हम हर जगह जर्मन भाइयों हम आपसे पहाड़ों पर लड़ेंगे हम आपसे फील्ड में लड़ेंगे हम लैंडिंग ग्राउंड में लड़ेंगे हम हर जगह आपसे लड़ेंगे लेकिन हम फ्रांस में लड़ेंगे हम फ्रांस को भी आजाद करवाएंगे आपसे लेकिन हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे और उसके बाद पूरे पार्लियामेंट का समर्थन चर्चे से मिल गया देखिए यह तारीख है चार जून और बाईस जून को हिटलर ने गलती कर दी उसने सोवियत रूस के साथ संधि तोड़ के सोवियत रूस पर हमला कर दिया देखिए कैसा मौका ब्रिटेन को मिला अब सोवियत रूस जैसा एक रिसोर्सफुल देश उसके साथ खड़ा था और वो सोवियत रूस के बचाने के नाम पर इस वॉर को खींच सकता था अब वो अकेला नहीं था और तब उसका दूसरा पार्टनर आगे जापान गलती करेगा और वह जापान की जो गलती है और वह गलती होगी पर्ल हार्बर पर अमेरिकन पर्ल हार्बर पर अटैक जो 7 दिसंबर उन्नीस को करेगा और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में कूद जाएगा और दुनिया की दो सबसे रिसोर्सफुल कंट्री के जब रिसोर्सेस मिलेंगे तो इस जितनी धूरी राष्ट्र एक्सिस पावर्स हैं वो बौने पड़ जाएंगे और फिर 15 अगस्त 1945 को एलाइड पावर्स की जीत के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा अब माई स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स अगर चर्चिल ने उस दिन समर्पण कर दिया होता और हेलीफेक्स का म की बात मान ली होती तो आज इतिहास यूरो ब्रिटेन का इतिहास एक भयंकर अपमान के साथ समाप्त होता और आज आपके हिस्ट्री के सिलेबस में एक ऐसे ब्रिटेन की कहानी रहती जो जिस जिस इस करुण कहानी होती उस करुण कहानी को अकेला चर्चिल ने पलट दिया उसने केवल ब्रिटेन को नहीं बचाया यूरोप को बचाया दुनिया को बचाया ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाया क्योंकि हिटलर के जीत होने का मतलब केवल यूरोप में नाजीवाद का फैलना नहीं था पूरी दुनिया में नाजीवाद का फैलना था अब आप बताइए ये नायक था या खलनायक निर्णय आपको लेना है और उससे भी बड़ा निर्णय लेना है कि हम लोग छोटे छोटे निर्णय लेने में घबरा जाते हैं लेकिन अब सोचिए जब वो व्यक्ति ने और वो प्राइम मिनिस्टर ने या वो पॉलिटिकल लीडर ने जब दुनिया के भविष्य का निर्णय लिया होगा तो कितना वो असमंजस का समय होगा आज मैं इस लेक्चर को ही समाप्त करता हूँ और फिर आपसे मिलेंगे थैंक यू वेरी मच